एग्जाम्स, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड। लेकिन साल भर में 3-4 बार आ जाता है यार। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मिडिल क्लास घरों में एग्जाम्स के टाइम में अलग ही माहौल चलता रहता है। हाँ भाई, मिडिल क्लास मतलब वही जहाँ साबुन का प्रेम सम्मेलन करवाया जाता है और कोलगेट की जान निकाली जाती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। घूमने जाना है, नहीं एग्जाम है ना। जिम जाना है, नहीं एग्जाम है ना। फोन चलाना है, नहीं एग्जाम है ना भाई। सांस लेना है, नहीं नहीं एग्जाम है। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। लेकिन एक सेकंड, एग्जाम टाइम में पढ़ने के अलावा बाकी सब करने का मन करता है, घूमने से लेकर फोन चलाने तक। और हाँ, पढ़ना छोड़ के प्लानिंग सारी हो जाती है। एग्जाम टाइम खत्म होने के बाद क्या क्या करना है, कौन से रेडे पे मोमोज खाना है, कौन सी मूवी देखनी है, कौन से रील्स देखने हैं। और हमारी मम्मियों को तो एकदम अलग ही लगता है। अरे मेरा बेटा तो होशियार तो बहुत है, पढ़ता भी बहुत है, पर पता नहीं नंबर क्यों नहीं आते हैं उसके। जरूर किसी का बुरा साया लगा है मेरे बेटे को। लेकिन उन्हें क्या पता हमारा बेटा पढ़ते टाइम क्या करता है। ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। और बात भैया यहीं खत्म नहीं होती। एग्जाम खत्म होने के बाद भी आपको कई तरह के लोग मिलेंगे। एग्जाम खत्म हुआ, अब कैसा गया उससे का घंटा फर्क पड़ता है। अरे यार, कैलकुलेट किया बस 97.9% आ रहा है, काश थोड़ा और पढ़ लेता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब।